भाजपा पंजाब सरकार के खिलाफ 5 मई को करेगी प्रदर्शन। नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा के प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त। बब्बू व मन्ना अमृतसर के प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त। पंजाब भाजपा के महासचिव जीवन गुप्ता आज अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब सरकार के खिलाफ पूरे पंजाब भर में 5 मई को प्रदर्शन करेगी। उनका दावा था कि आम आदमी पार्टी ने जनता के किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि अपने वादों से मुकर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा की ओर से प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए। इन्हीं चुनावों को लेकर अमृतसर से दिनेश बब्बू व मंजीत मन्ना को प्रभारी व सह प्रभारी चुन लिया गया है। जीवन गुप्ता ने पटियाला में हुई घटना की भी घोर निंदा की। उनके साथ भाजपा शहरी के महासचिव सुखमिंदर पिंटू, मीडिया इंचार्ज जनार्दन शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर राम चावला इत्यादि उपस्थित थे। देखो, आने वाली नगर निगम चोणों को लेकर के पंजाब भाजपा ने कुछ योजना बनाई है, जिदे तहत 5 नगर निगमों के चोणों की दृष्टि को लेकर इंचार्ज और सह इंचार्ज बनाए गए हैं। और अज श्री अमृतसर साहब विखे मेरा आना होया। इतों के चोणों के इंचार्ज श्री दिनेश सिंह बब्बू जी सबका MLA और मनजीत सिंह मन्ना जी वह भी सबका MLA ने, दोनों इंचार्ज और सह इंचार्ज के नाते जिम्मेवारी दी गई है। और अज असी पार्टी के अपने इस लोकल यूनिट श्री अमृतसर साहब के यूनिट में बैठ के आगामी चोणों की दृष्टि नाल चर्चा की है। आम आदमी पार्टी वालों बड़े वादे किए गए बीजेपी वालों, मगर बत्ती नहीं आ रही, लोग इतों से बहुत परेशान है, की कहना? देखो, ये बड़ी दुखद गल है कि जिस ढंग नाल आम आदमी पार्टी ने लोगों नाल वादे किए थे और अज पहला तो मुकरे इस गल तो कि 300 यूनिट हर घर उन्होंने बिजली फ्री देनी सी। अज वो 1 किलोवाट के कनैक्शन तक सीमित करती, वो बहुत थोड़ा दायरा आना और कोई ज़्यादा वो मैं समझता कि लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और दूसरी गल जी हैगी है कि लगातार जोड़े कट हैं वो लग रहे हैं। और इस संदर्भ के पंजाब भाजपा 5 तरीक न प्रोटेस्ट भी कर जा रही है। 5 तरीक न असी पूरे सूबे दे विच जिला हैडक्वाटर के DC दफ्तर के अगे धरने लगा जा रहे हैं और इस सरकार को जगा जा रहे हैं कि तुसी जो वादे किए, 300 यूनिट हर घर नू फ्री देने की गल की सी, तुसी कानून व्यवस्था तुसी बिगाड़ के रख दी, बिजली के कट्टा तो लोग परेशान ने, यह सारिया चीज़ों नू लै करके उस दिन प्रदर्शन चलेगा सवेरे 10 बजे तो। सर, जिहड़ी पटियाले घटना, ये भी कितना देखते? देखो, ये घटना बड़ी मंदभागी घटना है और मैं समझदा है कि पंजाब सरकार का भगवंत मान सरकार का टोटल फेलूर हैगा। 29 तरीक वाले दिन ये घटना वापरी है और बड़ी दुखद गल है कि श्री काली माता मंदिर के बाहर गुंडा तत्वों ने जिस ढंग का उत्थे गुंडा नाच किया है, वो अपने आप च मैं समझदा एक बहुत ही निंदा वाला कदम है, निंदा वाला काम है। और इस दुखद गल नाल एक होर जुड़ती है कि जिहड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब की सरकार के किसी मंत्री ने इनू अजे तक इनू कंडेम नहीं किया इस घटना। और उस तो बाद कल गिरफ्तारियां करन तो बाद हुण इस गल का ढंडोरा पिट रहे हैं कि जी असी कार्रवाई करती, असी इसनू कंट्रोल च कर लिया, जदों कि जिहड़ी सच्चाई है जिस ढंग नाल 10 दिन पहलां तो शिवसेना के अखौती लीडर और खालिस्तानी पक्षी लीडर जिस ढंग की भाषा का प्रयोग फेसबुक पर कर रहे थे और एक दूजे ते इल्जाम लगा रहे थे, एक दूजे के प्रति भद्दी शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, उस समय रहिंदे उन्होंने अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता तो मैं समझदा कि 29 तरीक की यह घटना नहीं होनी सी। और मैं समझदा कि घटना के जिस ढंग पंजाबी भाईचारे को लांबू लाने की कोशिश की गई है, वो अपने आप दे विच पूरी तरह मान सरकार का फेलोर मैं जानता है। सर, BJP वालों इलेक्शन बारे की तैयारियां? चोणों को लैके मैं दसिया कि असी प्रभारी और सह प्रभारी सारिया लगाए हैं, जिते जिते भी चोणा होने वाली हैं, संगरूर की बाई इलेक्शन की भी चोण होनी है, कारपोरेशन दी भी चोणा होनी है और पूरी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी पूरी चुस्त दुरुस्त होकर इलेक्शन लड़न जा रहा है और मैनूं पूर्ण उम्मीद है कि पंजाब की जनता का सानूं पूरा प्रेम सत्कार प्यारों मिलेगा।